अस्सलाम वालेकुम। सो इसमें हम दोबारा बुक कीपर के प्रोडक्ट फाइंडर में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमें बंडलिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वक्त मैंने एक सर्च ऑलरेडी कर रखी है, मैं उसमें मुझे बता रहा है 1357 प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। मैंने क्या क्या फ़िल्टर्स अप्लाई किए हैं वो हम देख लेते हैं क्विकली एक नज़र। ठीक है, अब हमने जो पहले मेरी जो कीपा की प्रोडक्ट फाइंडर की वीडियो है तो उसके अंदर जो फिल्टर्स थे वो कम्प्लीटली डिफरेंट थे, तो आप उसको इस सिचुएशन में उसे फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ इस सिचुएशन में हमने ये कोई भी चेक्स नहीं लगाए हुए और सेल्स रैंक के ऊपर हमने लगा दिया मिनिमम जी 400 और मैक्सिमम 20,000। अब मैक्सिमम वाली कंडीशन जो है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम 20,000 पे रहें, आप 25,000 पे भी जा सकते हैं, आप इसको 10,000 पे भी अभी फ़िलहाल ला सकते हैं। बेसिकली आपको अगर कम रिजल्ट्स चाहिए जो कि ज़्यादा लेज़र टारगेटेड हो, ज़्यादा शार्प टारगेटेड हो, तो फिर आप इसको इसको और कम कर दें, आई मीन मैक्सिमम को भी और कम कर दें। फिर बाद में आप चाहें तो नेक्स्ट राउंड दोबारा सर्च कर सकते हैं। लेट सपोज़ आप चाहें तो 5,000 पे रखें और जब दोबारा नेक्स्ट राउंड आप सारी कर चुके हों चेक, उसके बाद फिर यहाँ से मिनिमम में 5,000 और मैक्सिमम में 10,000 इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ आपने कैटेगरी, अब जो कैटेगरी में आपने काम करना है आप उस पर करें। मैंने फ़िलहाल सैम्पल के लिए इस वीडियो के पर्पस के लिए हमने ये पैटियो लोन लॉन और गार्डन की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। इसके अलावा हम एक दो चीज़ें और यहाँ पर करेंगे, जैसे ये न्यू ऑफर काउंट है इसमें मैंने 3 डाल दिया है, यानी कि मिनिमम 3 सेलर्स जो हैं वो न्यू की कंडीशन के साथ अवेलेबल हो, यानी कि वो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर देगा। एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, रिव्यूज़ में रेटिंग जो है वो मैंने मिनिमम 4 रखी है, तो इससे नीचे की रेटिंग वाली कोई आइटम ये लेकर नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मज़ीद इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। और इसके अलावा कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, एडल्ट प्रोडक्ट और ट्रेड इन एलिजिबल वगैरह मैं नो कर दिया करता हूँ, वोमन वैसे से कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब आप इसे चाहें तो फाइन प्रोडक्ट करेंगे, और यहाँ पर ये हमें बता रहा है जैसे मैंने वो कम कर दिया था BSR, तो अब आप देखेंगे कि ये 260 प्रोडक्ट सिर्फ लेकर आया है, जो कि ठीक है, मुनासिब है इस वक्त के लिए। और हमें ये देखना है कि अब जैसे इसमें करंट ऑफर्स मुझे बता रहा है 10, यहाँ पे 6 लोग हैं इसमें और बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसमें आ रही हैं, जैसे हमारे पास एक, मैं थोड़ा सा ये भी देखता हूँ कि प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बहुत कम भी ना हो। तो अगर हम चाहें तो प्राइसिंग का, अगर इसमें हमारे पास कोई यार लिस्ट प्राइस, अब लिस्ट प्राइस जो है अगर आप चाहें तो इसका $20 से ऑनवर्ड्स कर दें मिनिमम में, और उसको जाने दें। तब इससे कम करके और 166 प्रोडक्ट्स कर दिए, तो इसने वो जो छोटी बहुत सस्ती आइटम्स थी वो भी इसने हटा दी है, क्योंकि ठीक है मेरे लिए मुनासिब है। अब हम फॉर एग्जांपल एक इस आइटम को देख लेते हैं ओपन करके। ये एक प्रोडक्ट है बोनाइट माउस मैजिक, और इसका ब्रांड नेम है बोनाइट, जबकि यहाँ पे अननोन लिखा हुआ है जैसा, लेकिन बोनाइट है। ठीक है, अब ये कहता है यहाँ पर एक चीज़ आ रही है आपके सामने, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त हमारे लिए, क्योंकि हम बंडलिंग कर रहे हैं। तो बंडलिंग के अंदर एक चीज़ यहाँ पर अमेज़ॉन खुद भी हमें बताता है, अगर आप देखेंगे तो ये बताएगा, एक यहाँ नीचे आपको बता रहा है दिस आइटम, जो कि ये खुद है प्रोडक्ट, फिर दूसरा ये आपको बता रहा है बोनाइट 8600 863 रेड मैजिक ग्रेन्यूल्स, उसके बाद एक और प्रोडक्ट आ रहा है बोनाइट प्रोडक्ट्स इंक का ये जो भी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर का मतलब ये है कि ये अमेज़ॉन हमें बताता है कि कस्टमर्स जो ये परचेज करने आ रहे हैं वो अक्सर और बेशतर ये दोनों चीज़ें भी इसके साथ परचेज करते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी हैं लेकिन करते हैं। तो ये चीज़ें हमें एक्चुअली में ये डेटा हमें चाहिए। तो हमारे पास देखेंगे आपके यहाँ पे दो जो है वो एसेंस हमें नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसे भी ओपन कर लूँगा डिफरेंट विंडोज़ के अंदर, तो ये बेसिकली तो कीपा पे ही ओपन करेगा इसे, लेकिन हमें अमेज़ॉन हम कर देते हैं तो ये हमें बताएगा कि ये एक ये प्रोडक्ट है और एक ये प्रोडक्ट भी है, क्योंकि वो कहता है कि इसके साथ इस प्रोडक्ट के साथ सेल हो रहा है। अच्छा, ये बात अलग है कि ये कीपा जो है वो एग्जैक्टली सेम आइटम आपको नहीं दिखा रहा जैसे अमेज़ॉन दिखा रहा है, लेकिन आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये MDX रॉड एंड ट्रैपलर है और ये पेस्ट ब्लॉक
पाउचेस हैं ये बेसिकली माउस ट्रैक के। तो ये मेन प्रोडक्ट हमारा जो है वो बेसिकली माउस का ही है, जो माउस रेपेलेंट है, माइस रेपेलेंट है। तो इसे अगर हम अच्छा यहाँ कोई भी डिसीजन लेने से पहले ब्रांड को ज़रूर रिव्यू करें, जो मैंने आईपी ब्रांड आईपी कॉन्फ्लिक्ट्स या आईपी कंप्लेंट्स को अवॉइड करने के लिए जो वीडियोस बनाई हैं, कैसे हम ब्रांड्स को अवॉइड करते हैं उसको ज़रूर जहन में रखें। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी चेक करेंगे। दूसरी बात कि अगर आपके पास इस ब्रांड का होलसेलर है फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उसी ब्रांड के ऊपर जाएं डायरेक्टली। मैं ये नहीं कहता कि कोई ब्रांड वॉलमार्ट से उठा के फ़ौरन लिस्ट कर दें बगैर सोचे समझे। तो मेक श्योर कीजिए कि वो ब्रांड की जो मेरी पुरानी प्रैक्टिसेस हैं वो ज़रूर फॉलो करें यहाँ पर। अब हम ये देखेंगे कि हमें क्या करना है। हमें ये करना है कि हमें कोई दो प्रोडक्ट्स उसके साथ उठाने और उसका बंडल बनाने, दो प्रोडक्ट्स लेने, तीन प्रोडक्ट्स लेने। लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि वो प्रोडक्ट्स अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हों आपके सप्लायर के पास। अगर क्वांटिटी आपको पता नहीं चल सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसके लिए आपको ये ख्याल रखना होगा कि वॉलमार्ट या आपका जो भी सप्लायर है उसके अलावा और भी जगह वो आइटम कॉमनली अवेलेबल हो, यानी कि होम डिपो हो गया या सैम्स क्लब हो गया, या अगर आपका अपना होलसेलर है तो फिर तो अलग बात है। तो ये चीज़ मेक श्योर करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बंडल बनाएं, आप लिस्टिंग क्रिएट करें और आप उस पर मेहनत भी करें, काम भी करें, और फिर पता चले कि उस बंडल की कोई एक आइटम जो है वो अब आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, तो वो आपका फिर जो है वो सारा किए कराए पे पानी चल जाएगा, फिर जाएगा बेसिकली ये वाली बात हो जाएगी। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ में ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि वो बंडल के अंदर जो आइटम है तमाम वो अवेलेबल हो। कोई एक भी अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो बंडल की लिस्टिंग आपको टेम्प्ररी शट डाउन करनी पड़ेगी, उसको स्टॉक आपको ज़ीरो करना पड़ेगा, और जब भी वो तमाम चीज़ें दोबारा अवेलेबल होंगी वो तभी आप उसको लेके चल सकेंगे। ठीक है, एक और चीज़ बता दूं कि बंडल की वेरिफिकेशन जो मॉनिटरिंग जो होगी वो वेब स्क्रैपर ऐप से हो सकती है, और बंडल की मॉनिटरिंग वेब स्क्रैपर ऐप जो करता है वो सिर्फ वॉलमार्ट से करता है। यानी कि वॉलमार्ट के अलावा अगर आपका सप्लायर कोई और है तो फिर वो मॉनिटरिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सजेशन इस वक्त ये है कि वॉलमार्ट से ही करें अगर आपने करना है। अगर आपके पास होलसेलर नहीं और आप एफपीए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो फिर आप वॉलमार्ट से ही प्रोडक्ट सारी उठाएं। और क्योंकि उसमें अगर एक आइटम भी आउट ऑफ स्टॉक जाएगा तो वेब स्क्रैपर ऐप जो है उसे वो बंद कर देगा, तो वो ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा सेफ साइड है बेसिकली आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने प्रोडक्ट्स बेसिकली लेके पिकअप करनी है। जैसे इसमें जैसे 22 सेलर्स मुझे बता रहा है $63 इस वक्त इसका प्राइस है, तो हम इसको देख लेते हैं ओपन करके। ये कहता है जी ये जेनेसिस 2 कवर है ब्लैक में, और ये ग्रिल कवर है मेरे ख्याल से। हाँ तो ये ग्रिल कवर है। तो बेसिकली इसके साथ अब क्या क्या चीज़ें सेल हो सकती हैं बंडल में, ये हम यहाँ देख लेते हैं। अब ये इसके साथ सेल कर रहे हैं एल्युमिनियम ड्रिप पैंस हैं, इसके अलावा इसके साथ है थर्मोमीटर। तो ये दो चीज़ें ये बता रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये हमें क्या बताता है कीपर, ये भी देख लेते हैं। इत्तेफाक की बात है कि कीपा भी इस वक्त वही बता रहा है। बिल्कुल, कीपा भी वही चीज़ें बता रहा है जो अमेज़ॉन बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है हमारे लिए, और ये प्रोडक्ट भी वेबर का अपना ही है। एज लॉन्ग एज के आप वेबर को आपने तसल्ली कर ली है कि आप इस ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो आप इसका बंडल बना सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, ये मेन प्रोडक्ट है आपका, इसमें 32 लोग सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब मोस्ट लाइकली इस ब्रांड को तकलीफ़ नहीं है और इसकी कोई कंप्लेन उमूमन नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी हमें चेक करना ज़रूरी है। तो हम इसके अंदर ये देखेंगे कि सबसे महंगा वाला आइटम कौन सा है हमारे पास। एक हमारा ये प्रोडक्ट हो गया, एक प्रोडक्ट ये हो गया, और एक प्रोडक्ट ये हो गया। अब यहाँ पर देखने को लगता है कि जी $79 का ये प्रोडक्ट है, थर्मोमीटर। ठीक है, 3 ग्रिल थर्मोमीटर, और एक ये प्रोडक्ट है आपका $63 का। तो आप इसका बंडल बना सकते हैं। अब चूंकि तमाम चीज़ें वेबर ब्रांड की हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वेबर ब्रांड को इस्तेमाल करें, उसका टाइटल जो है हम फिर वो बंडल की जो पॉलिसी के मुताबिक जो टाइटल बनाना है हम वैसा ही बनाएंगे अमेज़ॉन के लिए, और इसको जो है हम
कीवर्ड्स और लिस्टिंग एक्चुअली कैसे बनानी है वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।